हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जादौन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी साइट पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी साइट पर काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप लोग ना सोलर लगाने से पहले बहुत सोचते हैं। यहाँ पर देखो काम भी हो रहा है, काम होने के साथ में उन्होंने सोलर का काम भी करवा रहे हैं। तो आप ऐसे सोचिए, इससे एक बेनिफिट होता है कि आप एक बार में दोनों काम हो जाते हैं। जैसे मकान बनने के बाद के खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मंथली हर महीने जो बिजली का खर्चा है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर सर हैं, इनका ये घर है, साइड है, तो यहाँ पर हम विजिट करेंगे। तो सर से पहले नाम जान लेते हैं। तो सर, आपका शुभ नाम? भरत कुमार लड्डा। भरत कुमार लड्डा। तो सर, ये कौन सा एरिया है? ये जम्बेश नगर भिलवाड़ा, 48 जम्बेश नगर भिलवाड़ा। अच्छा, तो सर आपने कैसे सोचा कि अभी तो जैसे आप काम चल रहा है तो इसके साथ में आप सोलर का काम करवा रहे हैं? ये मेरी डॉटर ने अभी यूके गई है, वो MBA करने, तो उसने बताया कि मतलब पापा अभी अपन रिनोवेशन मकान का करा रहे हैं, तो उसके साथ ये आप सोलर प्लांट का भी प्लान कर दीजिए। तो वो भी प्लान करके गई है और मुझे बोलता है, इंट्रक्शन देख के गई है कि अपने घर में सोलर प्लांट लगा दीजिए पापा, और वो फाइनल करके 7 सितंबर को यूके चली गई है। मतलब और अभी सोलर प्लांट लग गया है और कंप्लीट हो गया है। यानी अभी कंप्लीट हो गया? हाँ, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मतलब। तो सर, आपने कितने किलो वाट का लगवाया है? हमने 6 किलो वाट का ये सोलर प्लांट लगाया है। 6 किलो वाट का प्लांट लगाया है। आपने ऑन ग्रेड लगवाया है या ऑफ ग्रेड लगवाया है? ऑन ग्रेड लगाया मतलब। ऑन ग्रेड लगवाया आपने। तो सर, इतना सारा आपने अमाउंट लगाया है, तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं एक बार में इतना सारा अमाउंट लगा दूंगी? बहुत सारे लोग सोलर लगाने से पहले बहुत सोच रहे हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया? नहीं, ये तो मेरी डॉटर ने पहले ऑनलाइन सब देख लिया कि आजकल आने वाले टाइम में सोलर ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी का आने वाला टाइम है। तो इसलिए मैंने अपने मित्र यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर विपिन जी अग्रवाल साहब, उनको मैंने फोन किया और उन्होंने तुरंत ही अपने टेक्निकल आदमी भेज के सब सर्वे करा के और मेरे यहाँ सोलर प्लांट लगवा दिया उन्होंने। तो सर, आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना? नहीं, लगवाना चाहिए, अच्छी चीज़ है सोलर आने वाले टाइम में। मतलब ये 25 ईयर्स की वारंटी है और इससे आपका बिजली कंजप्शन काफ़ी बिल कम हो जाएगा, हो सकता है कि आपका यूनिट गवर्नमेंट में जमा भी रहे, मतलब तो बहुत अच्छी चीज़ है मतलब। तो सर, आपने लूम कंपनी का कैसे डिसाइड किया? मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। नहीं, वो मेरी डॉटर ने इंटरनेट पर, उन्होंने लूम कंपनी के व्यू पड़े होंगे तो उससे उसको मिला होगा, तो फिर मैंने यहाँ पता किया कौन डिस्ट्रीब्यूटर है भिलवाड़ा में, तो मेरे को मालूम पड़ा कि विपिन जी अग्रवाल साहब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मेरे मिलने वाले निकल गए वो, तो मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने फिर उनके हिसाब से जो बेस्ट था वो लगवा दिया। मतलब तो सर्विस कैसी दे रहे हैं? सर्विस नहीं, अच्छे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फोन कर रहे हैं आदमी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, बाकी की जो नॉलेज है वो क्या आप शेयर करेंगे इसकी? नहीं, बाकी की जो नॉलेज है वो टेक्निकल आदमी है इनका, विपिन जी अग्रवाल का, आप उनसे सब समझ लीजिए क्योंकि वो मेरे मित्र ही हैं विपिन जी अग्रवाल, तो उन्होंने सब समझ के किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भीलवाड़ा, यहाँ मैं भीलवाड़ा में खड़ी हुई हूँ, हर साइड पर जाके विजिट करती हूँ, इसलिए क्योंकि साइड पर मैं इसलिए जाती हूँ कि आपको हर साइड हर लोकेशन का मालूम पड़े, कहाँ पर कैसे लगा हुआ है, किसने किस रेंज में लगवाया है। तो आपको A to Z जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे ख्याल से सारे वीडियो देखने के बाद आपके क्लियर हो गए होंगे। और इस एरिया में अगर आप लगवाना चाहती हैं तो भीलवाड़ा के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उनसे मैं, वो टेक्नीशियन है, तो उनसे मैं बात कराऊंगी कि किस तरह से आपको लगाना है और क्या क्या सामान लगा दिया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, किस तरह से कॉन्टेक्ट करना है। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्केप नहीं करना है। तो मैं सर से मिलवाती हूँ और हाँ, अभी मैं छत पर जाकर देखती हूँ कि इनके पैनल्स जो हैं, कितने पैनल लगे हुए हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं, फुल इंफॉर्मेशन A to Z आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मैं सेकंड फ्लोर, दो फ्लोर पे आ गई हूँ, थर्ड फ्लोर पे जा रही हूँ, वहाँ पर पैनल लगा हुआ पर मैं थक गई। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ थर्ड फ्लोर पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पैनल लगे हुए हैं और ये मेरे साथ हैं, यहाँ पर हमारे साथ भीलवाड़ा के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो इनसे जानेंगे बाकी की इन्फॉर्मेशन। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बिल्कुल मैम, थैंक यू। तो सर, आपका नाम? वैभव सिंह भाटी। वैभव सिंह, तो सर आपने कौन से वाले पैनल लगवाए हैं? मैम, यहाँ पे हमारे साइड है, यहाँ पे हमने 450 वाट के पैनल लगवाए हैं, लूम सोलर के बायोफेशियल पैनल, जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक जो आ रही है अपने इंडिया के अंदर। इसके अंदर सर मैम ये रहता है कि जो अपर साइड जो है उससे तो जनरेशन होती है, 10% जनरेशन है, जो नीचे जो ये सेल्स लगे हुए हैं। अच्छा, इससे भी जनरेशन होती है? बिल्कुल।
इससे जो जनरेशन होगी वो जो फोटॉन्स जो नीचे गिरते हैं लाइटनिंग के, जैसे सूरज की किरणें हैं वो जो नीचे गिर रही है उसके कुछ रिफ्लेक्टर वापस ऊपर जाके उससे मतलब 10% एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। अच्छा अच्छा जी मैम। तो सर लाइट कितने टाइम से बनना शुरू हो जाती है इसमें? मैम जैसे अभी जैसे नाइट मीटिंग होती है, प्रोसेस ये रहता है, फर्स्टली इंस्टॉलेशन होती है, इन्वर्टर लगता है, इन्वर्टर इधर की साइड लगा हुआ है मैम। अच्छा इधर इन्वर्टर लगा हुआ है, ये एसी बॉक्स लगता है, इसके अंदर ये रहता है मैम, कोई भी सिक्योरिटी पर्पस के अंदर अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो ये अपने आप ट्रिप होके अपने आप को रोक देता है, इसमें कोई इशू नहीं आता है। जैसे अगर कोई भी फॉल्ट हो रहा है अपने, जैसे कोई भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो इसके अंदर वायरिंग इसमें ही शॉर्ट आउट हो गया और ना इन्वर्टर को प्रॉब्लम देती है ना अपने पैनल्स को दिखती है। तो ये अभी लग के कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल मैम ये कंप्लीटेड है, बस मैं सर की जो है वो नाइट मीटिंग कंप्लीट होनी अच्छा, है अच्छा, अच्छा। नाइट मीटिंग कंप्लीट होते ही पहले ही जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अपन यहाँ पे इन्वर्टर भी इधर की साइड लगा रखा है अपन लोगों ने, पूरा यहीं पे रहता है अपना इन्वर्टर भी, पूरा वाटरप्रूफ आता है मैम। तो सर ये कितने किलोवाट का लगाया है ये? मैम अभी तो 5 किलोवाट से टोटल, अपन ने सर से 6 किलोवाट की रिक्वायरमेंट उनको बता रखी है। आगे इन फ्यूचर जैसे ही सर को थोड़ा बहुत उनके लोड वापस बढ़ेगा कि इनके अगर एक एसी और बढ़ रहा है या फिर उनके बिल और ज्यादा आ रहा है तो उस हिसाब से और बढ़वा लेंगे। जी मैम बिल्कुल, जैसे यहाँ पे एक गैप दे रखा है तो ये क्लीनिंग स्पेस दे रखा है, इसमें एक पाइप और एड होके देन उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर लग जाएगा। तो सर जैसे आपने ये लगाया तो जैसे इसमें आपने क्या क्या प्रोवाइड किया? मैम मैंने जीआई के अपोलो के पाइप से प्रोवाइड कराए, बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे सारी फिटिंग्स करवाई है और इसके अंदर फिटिंग्स में मैम बिल्कुल बहुत हद तक जो दूसरे सोलर्स वाले होते हैं वो नट बोल्ट्स पे करवाते हैं स्ट्रक्चर, मैं वेल्डिंग पे करवाता हूँ क्योंकि वेल्डिंग एक्चुअली सबसे टाइट रहती है और टूटने के बहुत कम चांसेस। वेल्डिंग में खैर काफ़ी हैवी हो जाता है। जी जी बिल्कुल, उसके अंदर मैम सारा का सारा इतना फिनिशिंग के साथ वर्किंग है, कहीं से कहीं तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आती मैम। और यहाँ पे ये भी रहेगा कि जो यहाँ पे जो टैंक्स लग रहे हैं उस पर भी छाया रहेगी जिसकी वजह से इनके जो घर में भी थोड़ा पानी भी ठंडा रहेगा। जी जी जी। तो फ्रेंड्स मैं हर वीडियो में इसलिए मैं कहती हूँ आप मेरा हर वीडियो देखो, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अलग से देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो ये इसकी आप मजबूती देखो, मैं इतनी ज़ोर से हिला रही हूँ, हिल भी नहीं रहा है। मोस्टली जगह गाटर वगैरह लगाए जाते हैं इसमें, देखो कितने मैं दोनों हाथों से हिला रही हूँ, कितने हैवी पाइप लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये पाइप को मोस्टली लोग नट बोल्ट से कस देते हैं, यहाँ पर वेल्डिंग की हुई है, वेल्डिंग कभी खुलती नहीं है। तो ये और भी ज़्यादा कितनी भी ज़्यादा तूफान आ जाए फिर भी ये हिलने वाले नहीं हैं। और मोस्टली लोग यहाँ पर वो पिलर टाइप का बना देते हैं उसमें इस पाइप को लगा देते हैं तो पिलर इतना मजबूत नहीं हो पाता है। यहाँ पर फिनिशिंग देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से दीवार में इसको फिट कर दिया गया है। यानी तो सर आपने जैसे इसका आइडिया कैसे आया कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर आपने दीवार में भी ये? मैम एक्चुअली इसके अंदर ये रहता है कि जब हम छत के अकॉर्डिंग करते हैं, एक्चुअली छत इनकी थोड़ी पतली थी, इस पर्पस के अंदर हम लोगों ने ये किया है कि इसके जो आरसीसी के अंदर जो अपन फास्टनर करते हैं उसमें होल आर पार ना हो जाए, इस वजह से हम छत को देख के करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से किया हुआ है तो यहाँ से इतना पिलर आएगा जो इसको पूरा कवर करेगा जिससे मजबूती और अच्छा हो पिलर से ये कवर हो जाएगा तो मजबूती डबल हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल, इसके अंदर पूरा ये रहेगा मैम कि यहाँ तक अपन पूरा पिलर बनाएंगे यानी ये पूरा कवर हो जाएगा, इसमें स्ट्रांगनेस और ज़्यादा आ जाएगी अपने साथ और सारी प्रोटेक्शन और पूरा यहाँ पे वर्किंग और होगा अभी। तो सर आप जहाँ भी आप साइड लगाते हो तो आपकी सारी साइड क्या वेल्डिंग वाली होती है या? जी मैम बिल्कुल बिल्कुल सारी साइड बोल्ट में मैम ये रहता है कि बाय चांस कोई भी आंधी तूफान आ रहा है तो उसके अंदर अगर वाइब्रेशन हो रही है तो या तो नट टूट जाता है या फिर वो बैंड हो जाता है, उसकी वजह से पाइप जो है कट हो जाता है, जैसे पैनल हिल जाते होंगे। जी जी जी। अब जैसे जे हुक के यहाँ पे मैंने इसमें जे हुक का वर्क किया है, अपने जो चदर्स में लगते हैं वो सोलर पर्पज में ही बनते हैं मेनली, तो जे हुक के वर्क के अंदर मैम ये रहता है एक्चुअली कि जो बहुत जगह की तो मिड क्लेम एंड क्लेम भी लगते हैं वो भी अच्छा रहता है बट जे हुक से स्ट्रांग ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उसमें सी चैनल लगती है, इसमें पाइप जो है वो पूरी कंप्लीट लगती है। उसके अंदर मैम ये रहता है कि जो पाइप जो है वो बैंड नहीं होती है। अच्छा ये पाइप बैंड नहीं होगी? नहीं होगी मैम बिल्कुल, और सी चैनल आती है एक वो बैंड हो जाती है। तो आपने यहाँ पर ये ऑन ग्रेड लगाए हैं या ऑफ ग्रेड लगाए हैं? ऑन ग्रेड लगवाया है। ऑन ग्रेड एक्चुअली ऑफ ग्रेड वहाँ काम आता है जहाँ पे 6-7 घंटे तक लाइट रहती ही नहीं है। अच्छा। अब अपने सिटी एरिया के अंदर लाइट्स रहती है ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा जाती है, आधे घंटे के अंदर से जाके वापस आ जाती है, तो उसके अंदर ये रहता है मैम कि जो सोलर है अगर आधे घंटे लाइट जा रही है तो आधे घंटे तक अपनी लाइट जो है सोलर भी वर्क नहीं करेगा, वो जैसे ही लाइट कट ऑफ हुई एक्चुअली ये रहता है जैसे ही अगर सोलर वर्क करता रहेगा लाइट जाने के बाद भी और कहीं पे अगर कोई वर्कर काम कर रहे हैं लाइट का
तो वहाँ पे अगर जैसे यहाँ 5 किलोवाट 6 किलोवाट लगाया है अपन ने, 6 किलोवाट के अंदर अगर यहाँ से अगर लाइन जाएगी 6 किलोवाट की, तो बाय चांस भी अगर लाइन गई और वहाँ पे वो करंट से कुछ फॉल्ट हो गया, इस वजह से इसमें ये रहता है कि डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट रहता है, नीचे नेट मीटरिंग लगती है पूरी, वो वहाँ पे ग्रिड से कनेक्ट। अच्छा, यहाँ पर फिर इसमें बैटरी वगैरह नहीं लगाई जाएंगी? इससे ये रहेगा मैम कि डायरेक्टली जो गवर्नमेंट विभाग है अपने सिक्योर कंपनी, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है, डिस्कॉम में जाती है सीधी। अच्छा, वहाँ से ये रहता है जैसे अब 6 किलोवाट यहाँ लगा हुआ है, 6 किलोवाट में से अगर घर पे अप्लायंस जैसे फ्रिज एसी कुछ भी चल रहा है, यानी 3-4 किलोवाट के अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है अपने घर पे, तो पहले सोलर अपने घर पे देगा, बची हुई जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। अच्छा, जो लाइट बच जाती है जी जी वो करेंगे। तो सर ये जो आपने लगाया है, 3 फेस रहता है कि सिंगल फेस रहता है? ये सिंगल फेस है एक्चुअली। इसमें ये रहता है कि जैसे 1 to 5 तक तो सिंगल फेस आता है, 5 से वापस 3 फेस का भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। सर को नीड कम थी इस वजह से अपन ने 5 किलोवाट सिंगल फेस दिया। तो ऑफ ग्रेड अगर जो लगवाएंगे उसमें उनको बैटरी लगानी पड़ेगी? जी जी मैम बिल्कुल। उसमें मैम वो जैसे अब कोई कंज्यूमर है वो अगर मेरे को वो बताएंगे कि उनको क्या क्या चलाना है, तो इस हिसाब से मैं उनके सिस्टम बना के बताऊंगा कि आपको इतने वॉट्स आप कंज्यूम कर रहे हो घर पे, तो आपको दिन भर के लिए सोलर से चल जाएगा, देन नाइट के अंदर जो बैटरीज लगेगी वो उससे वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे ये साइड है, आप साइड देख सकते हैं कि काम तो यहाँ पे सर ने भर भर के किया हुआ है सारा। इतनी मजबूती है कि तूफान आ जाए कुछ भी आ जाए ये हिलने वाला नहीं है। और हाँ सर, आपने जैसे बारिश वगैरह होती है तो ये फिर बारिश में किस तरह से प्रॉपर वर्क करते हैं कि नहीं करते? वर्किंग तो रहती है बारिश की, जैसे धूप नहीं है बिल्कुल भी जी, तो उसके अंदर ये जो है 80% तक वर्क करते हैं, यानी जनरेशन आपको देंगे जहाँ पे जैसे 5 किलोवाट 25 to 27 यूनिट्स निकाल रहा है, वहाँ पे 10 से 15 यूनिट निकालेगा, पर निकालेगा जरूर। और ये लाइटिंग एलेस्टर वगैरह आपने लगा रखा है क्या? ये लगा हुआ है इधर ऊपर और पूरी अर्थिंग के साथ में ये वायरिंग इंटरनली अंदर ही गई हुई है पूरी, अपन ने बाहर कुछ भी नहीं दिखाया है कि वायर कहीं से भी बाहर दिख रही हो, अपनी सारी वायरिंग अंदर से अंदर गई हुई है, लाइटिंग अरेस्टर वहाँ पे लगा रखा है मैम ऊपर। तो एट द मोमेंट गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं और ये वाली साइड आपको कैसी लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कुछ नई सोलर साइड पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।